हाय गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल द माइंड क्लासेस। तो नरेशन की सीरीज कंटिन्यू है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्टेड रहिए और नरेशन को थ्रोली पूर्ण रूप से आप समझिए, ताकि आप कंपटीशन हो चाहे एकेडमिक एग्जामिनेशन हो, आप अच्छे से स्कोर कर पाएं। तो इसके पहले वाले वीडियोज में मैंने नरेशन को डिफाइन किया, बताया डायरेक्ट नरेशन क्या है, इनडायरेक्ट नरेशन क्या है, और प्रोनाउन का परिवर्तन भी बताया, चेंज ऑफ प्रोनाउन। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, उसके आगे कौन सी जानकारी है, तो कम टू द टॉपिक। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया भी था कि यदि इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज प्रेजेंट और फ्यूचर, यदि किसी भी डायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इज नॉट चेंज्ड। तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होता है वो नहीं बदलते हैं इनडायरेक्ट में बदलते समय। ओनली प्रोनाउन इज चेंज्ड, सिर्फ प्रोनाउन बदलता है, और प्रोनाउन में परिवर्तन होता है SON बटे 123 के अनुसार। आई हैव ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड इन प्रीवियस वीडियोज। तो SON बटे 123 को मैंने विधिवत बताया है, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, एंड थर्ड पर्सन नो चेंज। इसी के अनुसार प्रोनाउन का परिवर्तन करते हैं। तो जैसे सपोज मैंने कोई उदाहरण लिखा, दे से टू मी, दे से टू मी, यू कैन नॉट डिजर्व आवर प्रेज। मैंने वाक्य लिखा डायरेक्ट नरेशन में कि दे से टू मी, वे मुझसे कहते हैं, यू कैन नॉट डिजर्व आवर प्रेज, तुम हमारे प्रशंसा के लायक नहीं हो। अब किसी डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट में बदलते समय फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ऑब्जर्व रिपोर्टिंग वर्ब। अब देख रहे हैं रिपोर्टिंग वर्ब का जो टेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो किसी भी दशा में हम इधर टेंस का परिवर्तन नहीं करेंगे, प्रोनाउन का परिवर्तन करेंगे। तो अगर इसे इनडायरेक्ट में बदला जाए तो जानते हो से टू टर्न हो जाएगा टेल में, दे टेल मी, कंजंक्शन दैट ही क्यों लगा, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव है। यू सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है मी, लेकिन यू आर सब्जेक्टिव केस में, दैट्स व्हाई मी विल बी टर्न इनटू आई। अब हम कैन नॉट टू कुड नॉट नहीं कर सकते, क्योंकि टेंस का परिवर्तन नहीं कर सकते, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है। तो कैन नॉट का कैन नॉट कॉपी कर लेंगे, आई कैन नॉट डिजर्व आवर इज फर्स्ट पर्सन प्लूरल, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट दे, ये पोसेसिव केस में, तो दे का पोसेसिव केस होता है दियर, दियर प्रेज। ये हो गया इनडायरेक्ट नरेशन। तो हमेशा याद रखिए, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदल रहे हो, सबसे जो पहली चीजें नोटिस करने के लिए वो है कि हम देखेंगे रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस क्या है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर में पाते हैं, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कभी भी परिवर्तन नहीं करेंगे, बल्कि प्रोनाउन में परिवर्तन करेंगे। अब दे से टू मी, यू कैन नॉट डिजर्व आवर प्रेज, जब हम इसे इनडायरेक्ट में टर्न किए तो दे टेल मी दैट आई कैन नॉट डिजर्व दियर प्रेज, जहां पे प्रोनाउन था फर्स्ट पर्सन का, वहां पे हम उसे सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल दिए, जैसी सिचुएशन थी। अब एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि हम सेकेंड पर्सन को, फिर से मैं बता रहा हूं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन नरेशन, सेकेंड पर्सन को हम हमेशा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलते हैं। जो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, सेकेंड पर्सन को उसी के अकॉर्डिंग हम टर्न करते हैं। लेकिन यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन आया हो, लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट दिया ही ना गया हो, इन दिस कंडीशन वी इमेजिन ऑब्जेक्ट्स। तो उसकी उदाहरण देखो, उसे समझो, बहुत बारीक पॉइंट है। सपोज मैंने एक वाक्य लिखा,
इसे he says you are a cause of trouble to me. इस सेंटेंस पे गौर कीजिएगा. He says वह कहता है you are a cause of trouble to me. तुम मेरे लिए कष्ट का एक कारण हो. अब जान रहे हो रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट है तो हम रिपोर्टेड स्पीच में किसी भी दशा में टेंस का परिवर्तन नहीं करेंगे. हाँ प्रोनाउन का परिवर्तन करेंगे डेफिनेटली. यस ओएन बटे 123 के अनुसार प्रोनाउन का परिवर्तन करेंगे. अब यू सेकेंड पर्सन है. सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट. लेकिन यहां पे ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है. ये इसमें पॉइंट वाली बात है. यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन आए हो और रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट ना दिया गया हो इस दशा में हम ऑब्जेक्ट मानते हैं. भाव के अनुसार ऑब्जेक्ट आप कुछ भी मान सकते हो. यू आर लिबरेट ज्यादातर कंपटीशंस के बुक में या फिर इंटरमीडिएट तमाम प्रकाशंस ऐसे हैं जितने भी हैं पब्लिकेशंस उसमें क्या है कि बताया गया है एकदम एग्जैक्ट कि थर्ड पर्सन के ही प्रोनाउन मानो. लेकिन तमाम राइटर्स लिखते हैं कि आप भाव के अनुसार कोई भी प्रोनाउन मान सकते हो. जिस प्रकार का ऑब्जेक्ट मानोगे उसी प्रकार से वो टर्न होगा. जैसे यहाँ पे ही सेज हुआ कहता है यू आर ए काज ऑफ ट्रबल टू मी. तुम मेरे लिए कष्ट के कारण हो. अब जब इसे इनडायरेक्ट नरेशन में टर्न करोगे तो होगा ही सेज. हम सेज को सेज ही रहने देते हैं. कंजंक्शन दैट होगा क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव है. अब यू सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट बट देयर इज नो ऑब्जेक्ट. कोई ऑब्जेक्ट है नहीं तो ऐसी दशा में हम ऑब्जेक्ट मान लेंगे. और एक बहुत ही माइन्यूट चीज कि जब हम ऑब्जेक्ट को मान रहे हो तो एक आप लोगों को फंडा बता देता हूं उसी पे आप चलिएगा कि अगर यहां पे थर्ड पर्सन हो तो हम यहां पे फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट मान लेंगे. फर्स्ट पर्सन में क्या आता है. फर्स्ट पर्सन में आता है आई और वी. आई का ऑब्जेक्ट होता है मी. वी का ऑब्जेक्ट होता है अस. अब ऑब्जेक्ट नहीं है हम यहां पे ऑब्जेक्ट मानेंगे. अगर यहां पे थर्ड पर्सन हो तो यहां पे फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट मानो. और अगर यहां पे फर्स्ट पर्सन हो तो यहां पे थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्ट मानो. वैसे कुछ राइटर्स कहते हैं हमेशा थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्ट ही मानना चाहिए. लेकिन यू आर लिबरेट. आप स्वतंत्र हैं. आप आजाद हैं. भाव के अनुसार आप कोई भी ऑब्जेक्ट मानेंगे. जिस प्रकार का ऑब्जेक्ट मानेंगे उसी अकॉर्डिंग आप नरेशन टर्न कर सकते हैं. तो यहां पे ऑब्जेक्ट नहीं है और सेकेंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें टर्न करना है तो हम यहां पर मी मान लेते हैं. अगर यहां पर हम मी ऑब्जेक्ट मान लेते हैं यहां पर मी हम ऑब्जेक्ट मान लेते हैं तो यू अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट. लेकिन यू सब्जेक्टिव केस में तो मी का ऑब्जेक्ट हो जाएगा. सब्जेक्ट हो जाएगा आई. आई हम टेंस तो बदल नहीं सकते क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है. तो इस सीरीज का वर्ब है इज एम और आर. तो यू के साथ आर था आई के साथ हो जाएगा एम. आई एम ए काज ऑफ ट्रबल टू मी. फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट. फर्स्ट पर्सन इज चेंज्ड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट. तो यहां पे सब्जेक्ट क्या है ही. लेकिन ये यहां पे ऑब्जेक्टिव केस में है तो ही का ऑब्जेक्ट लग जाएगा हिम. ये टर्न हो गया. तो मैंने बताया कि आप लिबरेट हैं यदि सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन आया हो रिपोर्टेड स्पीच में और रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट ना दिया गया हो तो ऑब्जेक्ट भाव के अनुसार मान सकते हैं. अगर यहां पे हिम मानते तो आई की जगह पे ही हो जाता. अब एम की जगह इज हो जाता. अगर यहां पे हर मानते तो यहां पे सी हो जाता. तो सेंस देखिए. सेंस देख के जेंडर देख के आप भाव के अनुसार ऑब्जेक्ट मान सकते हैं. अगर मान लो ये यू किसी लड़की के लिए यूज हुआ होता फेमिनाइन जेंडर के लिए तो आप डेफिनेटली सी ही मानते. मतलब ऑब्जेक्ट हर मानते उसे सी में टर्न कर देते. तो अगर सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन आया हो रिपोर्टेड स्पीच में तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट आप भाव के अनुसार मानिए. जैसे भाव के अनुसार मीन्स फिर से देखिए. I say you are brilliant. मैं कहता हूं तुम ब्रिलियंट हो मेधावी हो टैलेंटेड हो. अब इस वाक्य को जब आप इनडायरेक्ट में टर्न करोगे I say कंजंक्शन हो गया that. You second person according to object.
लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है। इस दशा में आप मान सकते हो, पहले भाव देख लो, यू आर ब्रिलियंट। अब ये क्लियर नहीं है कि ये यू जिसे कहा जा रहा है ये किसी लड़की को कहा जा रहा है या लड़के को। इस दशा में आप कुछ भी मान सकते हैं, हिम मान सकते हैं तो ही हो जाएगा, हर मानोगे तो सी हो जाएगा। तो यहां पे ऑब्जेक्ट नहीं है, मैंने बताया यहां पे फर्स्ट पर्सन हो तो यहां थर्ड पर्सन मानिए, यहां पे थर्ड पर्सन हो तो यहां पे फर्स्ट पर्सन मानिए, यहां पे फर्स्ट पर्सन सिचुएटेड है तो आप यहां पे थर्ड पर्सन का हिम मान लो। जब आप हिम मानोगे तो यू के अकॉर्डिंग हिम का ही हो जाएगा, टेंस बदलना नहीं है, आर का इज हो जाएगा, ही इज ब्रिलियंट। सपोज यही वाक्य होता कुछ इसमें रिपोर्टेड स्पीच में कुछ ऐसा मिले जिससे जेंडर क्लियर हो जाए कि मैस्कुलाइन है या फेमिनाइन है, तो आप इस दशा में उसी का प्रोनाउन मानोगे। जैसे वाक्य देखिए, जैसे द टीचर सेज यू आर गुड गर्ल, अध्यापक कहता है तुम एक अच्छी लड़की हो। अब हम इसे इनडायरेक्ट नरेशन में जब टर्न करेंगे तो सिंपली द टीचर कॉपी हो जाएगा, सेज का सेज ही रहता है, द टीचर सेज कंजंक्शन हो जाएगा दैट, यू सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, देयर इज नो ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इस दशा में हम ऑब्जेक्ट मानेंगे, बात लड़की की हो रही है, यू गर्ल को कनेक्ट कर रहा है, तो डेफिनेटली हम यहां पर ऑब्जेक्ट हर ही होगा, यहां पर ऑब्जेक्ट हर होगा। तो जब यहां पे ऑब्जेक्ट हर होगा तो यू सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट हर के अनुसार बदलेगा, लेकिन ये सब्जेक्टिव केस में है तो हर का सब्जेक्ट लग जाएगा शी, यू के साथ आर बट सी के साथ एच, ये है। तो इस चीज को आप बैक करके बार बार देखिएगा और जहां पर जो चीजें नहीं समझ में आई कि कैसे बदल दिया गया वहां पे आप कमेंट करिएगा, मैं आपको सेटिस्फाई करूंगा। जब तक समझा नहीं दूंगा कमेंट के थ्रू या वीडियो के थ्रू तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। बस आप वीडियोज को देखिए और जहां पे आपको डाउट लगे, जहां पे आप क्लियर ना हो, उस बारे में आप कमेंट दीजिए कि यहां पर क्लियर नहीं हो, तो मैं उस पर उचित से उचित सलूशन दूंगा। तो आज मैंने जो बताया कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आया हो और रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट ना दिया गया हो तो आप भाव के अनुसार कुछ भी मान सकते हैं, ये था। तो आगे बढ़ते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, और इससे पहले कि और कुछ इस वीडियो में मैं जोड़ूं, बस ये जान लो कि इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाया था नरेशन पार्ट टू में ज्यादा समझाने के चक्कर में, आप लोगों को ज्यादा चीजें बताने के चक्कर में, मैं खुद ही एक बार प्रोनाउन बदलना भूल गया था और किसी ने कमेंट नहीं किया, लेकिन उस वीडियो में मैं कमेंट बॉक्स में जाकर मैंने एक मैसेज लिखा, मैसेज को पिन कर दिया। आप जब जाएंगे कमेंट बॉक्स में तो उस मैसेज को आप पहले ही पाएंगे, जो डाउट आपको होगा वो मैंने लिख दिया है, क्योंकि मैं आपको बता रहा था प्रोनाउन का परिवर्तन, लेकिन मैंने जब उदाहरण बताया तो उदाहरण में मैं खुद ही एक प्रोनाउन को बदलना भूल गया, उस सेंटेंस को यहां पर मैं लिख देता हूं। जैसे एक वाक्य मैंने लिखा था, रीता सेज टू हिम यू ऑलवेज सपोर्ट मी, ये सेंटेंस था। लगभग वीडियो के लास्ट में ये उदाहरण मैंने लिया था, जब वीडियो लगभग 27-28 मिनट खिंच गया था तब लास्ट में ये मैंने उदाहरण दिया था, रीता सेज टू हिम, रीता उससे कहती है यू ऑलवेज सपोर्ट मी, तुम हमेशा मेरा समर्थन करते हो, हमेशा मुझे सहारा देते हो। तो इस वाक्य को मैंने बहुत ज्यादा समझाया था क्योंकि इस वाक्य में फूड है आप लोगों के लिए, ट्रस्ट में इस वाक्य में आप लोगों के लिए कुछ है। जैसे नरेशन के जब क्वेश्चंस आएंगे, चाहे एयरफोर्स में हो, चाहे सीडीएस में हो, चाहे एनडीए में हो, सीटेट हो, यूपीटेट हो, कहीं पर किसी भी कंपटीशन में जब आएंगे, तो ऐसे तो होता नहीं कि एकदम नॉर्मल क्वेश्चन पूछ लिया जाए, नो, कुछ पेचीदा, समथिंग कॉम्प्लिकेटेड, कुछ ना कुछ होता है उसमें। तो जैसे ये क्वेश्चन है, ये अपने आप में बहुत ट्रिकी है, और इस वजह से बताते समय मैंने पूरा नरेशन यहां से लेकर यहां तक पूरा हल किया, मी को बदलना भूल गया था, और किसी ने शायद माइंड नहीं किया और कमेंट भी नहीं किया, लेकिन मैं जब वीडियो खुद देखा तो मैं वहां पे एक कमेंट लिख के पिनअप कर दिया, नंबर एक पे वही कमेंट है, आप वहां पे जाके देख सकते हैं, मैंने वहां पे एक्सक्यूज किया है कि मैंने मी को नहीं बदला, मुझे बदलना चाहिए था। तो ये रिपोर्टिंग वर्ब मैंने बताया था प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है, बट प्रोनाउन इज ऑलवेज चेंज्ड। तो युवा के तहत रीता सेज टू को बदल देंगे टेल्स में, रीता टेल्स हिम, कंजंक्शन हो जाएगा दैट,
यू सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया गया है। अभी जो मैंने बताया कि ऑब्जेक्ट ना होता तो हम ऑब्जेक्ट मान लेते, भाव के अनुसार कुछ भी ऑब्जेक्ट मान लेते, उसी के अकॉर्डिंग हम चेंजिंग बना देते। तो यू सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है हिम, लेकिन यू सब्जेक्टिव केस में है तो हिम का सब्जेक्ट हो जाएगा ही ऑलवेज। अब हम टेंस नहीं बदल सकते, टेंस नहीं बदल सकते, क्यों? क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट में है। अब ये रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट में, हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस नहीं बदलना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता, आई वी यू दे तथा बहुवचन कर्ताओं के साथ साधारण वाक्य में यस या ईएस का प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन ही सी इट और एक वचनकर्ता के साथ एस आई एस का प्रयोग किया जाता है। तो हम टेंस नहीं बदलेंगे लेकिन रेलिवेंसी लाएंगे, मतलब रेलिवेंट वर्ब का प्रयोग करेंगे। यू के साथ एस आई एस नहीं है, बट जब यहां पे यू की जगह पे ही होगा तो सपोर्ट सपोर्ट्स हो जाएगा, एस आई एस का प्रयोग होगा। सपोर्ट मैंने यहां तक चेंज किया था पिछली वीडियो में और मी का मी ही लिख दिया था, क्योंकि बात यहां पे थी, ये पेज ये था, लोग सपोर्ट को सपोर्ट ही लिखते, लेकिन सपोर्ट को आपको सपोर्ट नहीं लिखना है। कोई भी वर्ब होता है उसमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एस आई एस का प्रयोग होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो जब यू टर्न हो गया ही में, यू के अनुसार यहां पर एस आई एस नहीं था, लेकिन टेंस हम नहीं बदल रहे हैं, रिलीवेंट वर्ब का प्रयोग कर रहे हैं। जब यहां पे ही हो गया तो ही के अनुसार सपोर्ट्स हो गया। अब मी फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है रीता, रीता मतलब सी, कोई भी फेमिनाइन जेंडर एक वचन में होती है तो उसके लिए प्रोनाउन होता है सब्जेक्टिव केस शी। तो अब यहां पर ये ऑब्जेक्टिव केस में है फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है रीता, तो शी का यहां पे क्या हो जाएगा। तो ये थी बारीकी आप वीडियोज को, ये काफी चीजें जितना मैंने 3 वीडियोज में आपको बताया उसमें नरेशन के बारे में बहुत ही डीप नॉलेज है, तो उसे आप ऑब्जर्व करिएगा। हो सकता है बोलते समय कुछ डिसऑर्डर हो जाए शब्दों में, ज्यादा समझाने के चक्कर में, तो उसके लिए अगर कुछ भी कहीं पर भी ऐसा लगे तो आप कमेंट बॉक्स में सीधे क्वेरी ले सकते हैं। आई एम हियर, ठीक, ट्रस्ट मी, आई एम गोइंग टू गिव यू अलॉट रिगार्डिंग ग्रामर। तो प्लीज स्टे ऑन विद मी और आप लोग इसे पढ़ते रहिए, और टेंस का परिवर्तन अगले वीडियो में बताऊंगा, अपलोड करूंगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।